वेलकम है गाइस, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 7 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 7 है इवोल्यूशन, उसका हमने पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन को देखा था। और उसमें हमने ये देखा था कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी हमने देखी थी, फिर गैलेक्सीज कैसे बनी, हमारी जो प्लैनेट्स हैं कैसे बने, अर्थ कैसे बनी, इसके बारे में हमने देखा। तो अर्थ तो बन गई, अब हमें ये समझना है इस पार्ट में कि अर्थ में लाइफ कैसे आई। तो इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, तो एक एक करके इसको देखते हैं। डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, के लाइफ आउटर स्पेस से आई है, बाहर से आई है। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड, तो कई सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि हाँ ये स्पेस से आई है। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। अब जो अर्ली ग्रीक फिलोसोफर थे उनका मानना था कि स्पेस से ना बहुत सारे स्पोर्स क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ, वो ना डिफरेंट प्लैनेट्स में ट्रांसफर भी, ठीक है, स्पेस से जो स्पोर्स है जिसे यूनिट ऑफ लाइफ बोल रहे हैं वो स्पेस से कहां गया, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स में गया, इंक्लूडिंग अर्थ में भी गया, और इस तरीके से लाइफ आई, ठीक है, ये अर्ली ग्रीक थिंकर्स का मानना था। पेनस्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। अब एस्ट्रोनॉमर्स जो है पेनस्पर्मिया को एक मानते थे कि इस तरीके से लाइफ आई। पेनस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, लाइफ ओरिजिनेट इन स्पेस, स्पेस में लाइफ ओरिजिनेट हुई और फिर वो ना डिस्ट्रीब्यूट हो गए डिफरेंट प्लैनेट्स में बाय कॉमेट्स एंड मीटियोराइट्स। तो जो मीटियोराइट्स आए स्पेस से, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स में, उस मीटियोराइट्स पे कौन आ गए, ये स्पोर्ट्स आ गए, ये जैसे ये सिंपल तुम समझ ही गए होंगे यार, ये मीटियोराइट है, ये स्पेस से आया और ये अर्थ है, ठीक है, तो मीटियोराइट आया कहां, अर्थ में, तो इस मीटियोराइट के साथ क्या आ गए, ये स्पोर्ट्स आ गए जो कि लाइफ को लेके आए अर्थ पे, ठीक है, ये पेनस्पर्मिया है। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकिंग एंड रोटन मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड। तो स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, भूसा, और मड मतलब आप कीचड़ वगैरह समझते ही हो, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला उसने, बहुत लॉन्ग टाइम से ही माना जाता था कि जो लाइफ है ना वो कहां से आई, डिकेइंग और रोटन मैटर से, ठीक है, जो सड़ रहा है, गल रहा है जो मैटर ना, उससे लाइफ बनी है। दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लुई पाश्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डिमॉन्स्ट्रेट दैट लाइफ केम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अभी जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन था थ्योरी, इसमें क्या बोला गया कि जो लाइफ है वो किससे क्रिएट हुई, डिकेइंग मैटर से, स्ट्रॉ या मड, इन सब से क्रिएट हुई। बट इसको ना, इसको क्या कहते हैं, इसको डिसप्रूव किया था किसने, लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डिमॉन्स्ट्रेट दैट लाइफ केम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, मतलब पहले जो लाइफ है उसी से नई लाइफ क्रिएट हुई। ही शोज दैट इन अ प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क, प्री स्टरलाइज्ड, अच्छा रुको पढ़ने से पहले समझ लेते हैं, है ना। तो यह है स्पॉन्टेनियस जनरेशन में, जिसमें स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में बता रखा है यहां पे, और लुई पाश्चर के एक्सपेरिमेंट को हम यहां पे देखेंगे। इन्होंने क्या किया, ये फ्लास्क लिया इस तरीके से, ठीक है, इस फ्लास्क का जो ये आप कह सकते हो ये जो नेक है, इस तरीके से क्या है, एस शेप्ड का, ऐसे है ना, इस तरीके से घूमा हुआ है। तो ये तो क्या हो गया, इन्होंने इस तरीके के फ्लास्क ले लिए, क्लियर। अब इन्होंने क्या किया, इसमें ब्रॉथ डाला, ये क्या है, ब्रॉथ मतलब मीडियम है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, या इसके अंदर क्या थे, हाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, प्रोटिस्टा जो थे वो प्रेजेंट थे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो मेंबर्स आते हैं वो थे, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां पे प्रेजेंट थे। इस फ्लास्क में भी उन्होंने ऐसे ही किया, इस फ्लास्क में भी उन्होंने क्या ले लिया, माइक्रोब्स को ले लिया, ठीक है, न्यूट्रिशियस मीडियम के अंदर, उसमें न्यूट्रिशियस मीडियम भी था। तो अब क्या किया लुई पाश्चर ने, इन्होंने क्या किया, इसको हीट किया नीचे से, ये हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से क्या होगा, ये बॉयल होगा, बॉयल होने से क्या होगा, जो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सबके सब मर जाएंगे, मतलब ये जो फ्लास्क है अब ये कैसा हो जाएगा, स्टरलाइज्ड हो जाएगा, स्टरलाइज्ड मतलब इसमें कोई भी लाइफ फॉर्म अब नहीं रहेगी। सेम इस तरीके से यहां पे भी उन्होंने किया, तो इससे एक चीज एश्योर हो गई कि इस फ्लास्क के अंदर कोई भी लिविंग चीज नहीं है, ठीक है, ये हो गया प्रूफ, मतलब ये हो गया अभी यहां तक। अब इन्होंने क्या किया, ये जो पहला वाला फ्लास्क है ना, इसको, इसकी जो ये नेक है इसको इस तरीके से तोड़ दिया, अलग हटा दिया इसको, तो क्या हो गया, ये डायरेक्टली ओपन एयर में आ गया, ठीक है, एयर इसके अंदर आसानी से जा सकती है, इस तरीके से हो गया। और दूसरे वाले को उन्होंने वैसे ही रखा, जो ये सेकंड वाला है इसको उसी तरीके से रखा। तो कुछ टाइम पर उन्होंने क्या देखा कि ये वाला जो फ्लास्क है जिसमें हमने नेक को हटा दिया था उसके, उसके अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ हो गई, और जो ये वाला है जिसके अंदर ये अभी भी इस तरीके से ये नेक प्रेजेंट है, इसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हुई,
ठीक है, क्यों नहीं भी इसको समझते हैं और इसमें क्यों भी इसको समझते हैं। देखो एयर के अंदर पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे प्रेजेंट थे, तो ये एयर क्या होगी, ये इसके अंदर आसानी से चली जाएगी, डस्ट पार्टिकल्स के साथ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यहां एंटर कर जाएंगे और फिर यहां पे न्यूट्रिशियस मीडियम तो है ही और उसमें जो है माइक्रोब्स ग्रो करना शुरू कर देंगे। क्लियर है? बट इस केस में क्या हुआ, ड्यू टू दिस बेंडिंग नेक, ये मतलब मुड़ा हुआ है ना ये नेक, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स जिसके साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह आएंगे ना वो यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये ऊपर नहीं जा पाएंगे इस तरीके से, समझ रहे हो ना। ये जो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स गए, यहाँ पे जो और पार्टिकल्स गए जिसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट है, वो ना ऊपर नहीं जा पाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा मतलब कि इस फ्लास्क के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे पता चला कि जो लाइफ होती है वो कहां से क्रिएट होती है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। अब देखो ना, यहां एयर से माइक्रोब जब यहां गए तो इन्हीं माइक्रोब्स में डिवीजन हुआ और इस वजह से नए नए माइक्रोब्स बनना शुरू हुए। बट जब यहां तक, यहां पे कोई माइक्रोब्स आया ही नहीं, ठीक है, यहीं पे रुक गया ना माइक्रोब्स, तो यहां तक आया नहीं, तो माइक्रोब जब यहां आए नहीं तो यहां पे कोई भी लिविंग चीज नहीं है, जब कोई लिविंग चीज नहीं है तो यहां पे कोई भी लाइफ क्रिएट नहीं हुई। तो ये जो लुईस पाश्चर सर थे उन्होंने इस तरीके से इसको प्रूफ किया, ठीक है, ओके। तो लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट व्हाइल इन अदर फ्लास्क ओपन टू एयर, तो इन्होंने ईस्ट लिया था यहां पे, तो इस केस में क्या होगा, यहां पे जो है सॉरी इस केस में क्या होगा, यहां पे तो माइक्रोब्स जो है वो ग्रो करना शुरू कर जाएंगे और यहां पे ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है, जो कि ओपन एयर में था उसमें ग्रो करेंगे। न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट, अब देखो यहां पे क्या बोला उन्होंने, हाँ शुरू से पढ़ लेते हैं इसको। ही शोज दैट इन अ प्री स्टरलाइज फ्लास्क लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट व्हाइल इन अदर फ्लास्क ओपन टू एयर, ठीक है, पहला वाला जो फ्लास्क है उसमें क्या है, माइक्रोब्स ग्रो नहीं करें, बट लेकिन जो दूसरा वाला फ्लास्क है जो कि ओपन टू एयर है उसमें क्या हुआ, नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होना शुरू हो गया फ्रॉम किल्ड ईस्ट। इसको इस लाइन को थोड़ा समझना, यहां पे ईस्ट जो लिए थे यहां पे वो क्या थे, किल्ड थे, क्योंकि बॉइलिंग वगैरह कर दी थी हमने, बट लेकिन यहां पे नए ईस्ट जो है क्रिएट हो गए या नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो गए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में थे, ठीक है, इस वजह से ऐसा हुआ। क्लियर? अब स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वॉज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल, तो इस तरीके से जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी वो क्या हो गई, डिसप्रूव हो गई। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या कहती है वो हमने, सॉरी वो यहां पे देखा हमने, यहां पे देखा, यहां पे, ठीक है। However, this did not answer how the first life form came on earth. अब इससे ये तो नहीं पता चल रहा ना कि पहली लाइफ जो है अर्थ में कैसे क्रिएट हुई, कैसे आई। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हिल्डन ऑफ इंग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। तो यहां पर क्या बोला, जो ओपेरिन और जो हिल्डन है उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट लाइफ अर्थ में आई है ना वो किससे बनी है, प्री एग्जिस्टिंग, पहले से जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे उनसे, मतलब आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इन सब के मिलने से क्या हुआ, लाइफ फॉर्म क्रिएट हुई। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रिसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, और फिर क्या बोला उन्होंने कि यहां पे क्या हुआ कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ। केमिकल इवोल्यूशन का मतलब है, मैं एक बार बता देता हूं आपको नीचे से, ठीक है, ये देखो ये है केमिकल इवोल्यूशन का मतलब। सबसे पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है वो अर्थ में बने, ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ठीक है, और नाइट्रोजिनस बेसिस, ये सब के सब बने, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। इनसे फिर बने मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, मतलब बायो मोनोमर्स बने, फिर इनसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने, बड़े बड़े डीएनए बन गया, ठीक है, और आरएनए बन गया, प्रोटीन बन गया, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनने शुरू हो गए इस तरीके से। फिर ये मेटाबॉलिक नेटवर्क बना, मतलब रिएक्शंस होना शुरू हो गई और तब जाके लिविंग सेल जो है वो क्रिएट हुआ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा केमिकल इवोल्यूशन, और इस तरीके से जो है बोला गया कि लाइफ जो है वो क्रिएट हुई, ठीक है, ओके। तो क्या हुआ यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट, वही चीज बोली यहाँ पे, जो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट यहाँ पे थे शुरुआत में उनसे क्या हुआ, डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो गए, ठीक है। वो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट कौन से थे, वो है ये मीथेन, अमोनिया, ठीक है, और वाटर। इस तरीके से यहां पे क्या हुआ, इनकी मदद से यहां पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो बनना शुरू हो गए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन है, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब। द कंडीशन ऑन अर्थ वर हाई टेम्परेचर, अब उस टाइम पे जो अर्थ में कंडीशन थी वो कैसी थी, हाई टेम्परेचर था,
वॉल्केनिक स्टॉर्म्स आते थे, रिड्यूसिंग एटमोसफेयर था. रिड्यूसिंग एटमोसफेयर मतलब क्या हुआ, नो फ्री मॉलिकुलर ऑक्सीजन, कोई भी फ्री मॉलिकुलर ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी. और उसमें क्या थी, एटमोसफेयर में मिथेन थी, अमोनिया था, ठीक है, और बाकी और गैसेस थी इन 1953. अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ओपेरन और हेल्डन ने क्या बोला था कि जो लाइफ है वो किससे क्रिएट हुई, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्रिएट हुई है, ठीक है. अब इस चीज को ना प्रूफ किया किन्होंने, इस चीज को प्रूफ किया एसएल मिलर ने, क्लियर है. तो एसएल मिलर एन अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन अ लेबोरेटरी स्केल. जैसी कंडीशन अर्थ में उस टाइम पे थी ना, वैसी कंडीशन जो मिलर थे उन्होंने लैब में क्रिएट कर दी. ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग मिथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर्स एट 800 डिग्री सेल्सियस. हम इसको पढ़ने से पहले ना समझ लेते हैं, तब ज्यादा आसान रहेगा ऑब्वियसली. ये देखो मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है. मिलर्स ने क्या किया, इन्होंने सेम कंडीशन बनाई जैसी कि अर्थ में उस टाइम पे थी जब लाइफ बन रही थी, तो सेम कंडीशन उन्होंने लैब में बना दी. अब उन्होंने देखो ये क्या लिया, यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा इन्होंने अपना एपरेटस इस तरीके से सेटअप कर लिया. अब यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रोड्स लिए, इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे यहाँ पे चार्जिंग क्रिएट करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे लाइटनिंग बहुत ज्यादा होती थी अर्थ में ना, तो क्या हुआ, इस वजह से इन्होंने इलेक्ट्रोड ले लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये स्पार्क डिस्चार्ज लिखा हुआ, ये सब हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो 800 डिग्री सेल्सियस हो गया इसके अंदर, इस फ्लास्क के अंदर. यहाँ पे गैसेस कौन सी है, वही मिथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन गैसेस, ये हो गई जो कि उस टाइम पे एटमोसफेयर में प्रेजेंट थी. देन यहाँ पे क्या हुआ, ये है बॉइलिंग वाटर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बॉइलिंग वाटर है. इस जब ये वाटर बॉइल होगा तो स्टीम बनेगी, ये स्टीम यहां से गई, ठीक है, ध्यान से समझना, ये स्टीम यहां से गई और ये स्टीम इधर चली गई, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, स्टीम प्रेजेंट थी, जनरली जो वाटर था वो स्टीम की फॉर्म में प्रेजेंट था, तो उन्होंने वाटर को भी स्टीम की फॉर्म में यहां से ले लिया, वाटर को बॉइल किया, स्टीम जो है यहां से होते हुए इस फ्लास्क में एंटर कर गई, क्लियर है, ओके. अब यहां पे क्या है, वैक्यूम पंप लगा हुआ. वैक्यूम पंप किस लिए यूज किया, सबसे पहले वैक्यूम पंप का यूज करेंगे कि यहां पे अगर कोई भी ऑक्सीजन या कोई भी और गैसेस प्रेजेंट है उसको निकाल देंगे, उसको पूरे तरीके से साफ कर देंगे, तो वैक्यूम पंप इसलिए है ताकि कोई और गैसेस यहां पे ना रहे, तो वैक्यूम पंप की मदद से बाकी गैसेस को यहां से हटा दिया, क्लियर है. फिर उसके बाद ये जो पूरा का पूरा सेटअप है इसको स्टरलाइज किया, मतलब इसमें कोई भी लिविंग मैटर ना हो उसको एंश्योर किया कि उसको हटा दिया, क्लियर. अब उसके बाद उन्होंने यही सब किया, इलेक्ट्रोड लिया था, 800 डिग्री सेल्सियस हो गया था यहाँ पे, ये गैसेस लिए उन्होंने, यहाँ पे वाटर को बॉइल किया तो स्टीम जो है यहाँ पे एंटर कर गई. अब यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन होना शुरू हुई, रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, कुछ यहाँ पे मैटर बना, तो वो जो मैटर है वो लिक्विड फॉर्म में इधर से नीचे आ रहा है. अब नीचे आ रहा है तो ये कंडेंसर लगा हुआ, सॉरी लिक्विड फॉर्म कह रहा मैं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, 800 डिग्री सेल्सियस है, तो 800 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे क्या होगा, गैसियस फॉर्म में जो भी चीज बनी वो इधर आ रही है. तो कंडेंसर क्या करता है, जो एक गैसियस फॉर्म है, गैस है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इसको कूल कर देता है, क्योंकि आप यहां देख रहे हो वाटर जो है अंदर जा रहा है, इधर वाटर मूव कर रहा है और इधर से वाटर निकल रहा है, तो क्या होगा, यहां से जो भी गैस जाएगी वो ठंडी हो जाएगी, तो गैस ठंडी होकर क्या हुआ, यहाँ पे इधर वाटर ड्रॉपलेट्स आपको मिलना शुरू हो गए, और ये फिर नीचे आया, नीचे आया, और यहां पे ये सारा जमा हो गया वाटर, ठीक है, कौन सा वाटर, जो यहां से स्टीम की फॉर्म में आया था और वो ठंडा होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और वो यहां पे जमा हो गया. तो अब इसमें क्या है, इसमें जब चेक किया कि ये जो वाटर है इसके अंदर क्या मिला, तो इसके अंदर मिला ऑर्गेनिक कंपाउंड, वही आरएनए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब मिलना यहां पे शुरू हो गए. तो यहां पे देखो इससे मिलर्स ने क्या प्रूफ कर दिया, उन्होंने प्रूफ किया कि ये अर्थ में जो है ऐसा ही उस टाइम पे हुआ था और उसकी वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो क्रिएट हुए थे. तो समझ में आ गया होगा ये जो मिलर्स एक्सपेरिमेंट है यार, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं. अब देखो, अब पढ़ लेते हैं. ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, इन्होंने देखा कि वहां पे ना अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो गया, तो कौन से अमीनो एसिड का, लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है. इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व, यही जैसा मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था यही एक्सपेरिमेंट औरों ने भी किया, तो उन्हें क्या मिला, शुगर मिलना शुरू हो गई वहां पे, नाइट्रोजनस बेसिस जो कि डीएनए बनाएंगे, पिगमेंट्स, फैट्स, ये सब बनना शुरू हो गए. एनालिसिस ऑफ मेटियोराइटिक कंटेंट ऑल्सो रिवील सिमिलर कंडीशन इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस. अब अर्थ में किसी आउटर स्पेस से क्या हुआ है, मीटियोराइट्स आए, तो जब उस मीटियोराइट्स को देखा तो उसमें भी क्या हुआ, यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, तो इससे क्या पता चला कि किसी और स्पेस में कहीं और पे भी ना ऐसी रिएक्शंस हो रही हैं,
जैसी मिलर्स ने क्रिएट करी थी वैसी रिएक्शंस स्पेस में कहीं और हो रही है, क्योंकि स्पेस से जो मीटियोराइट्स आए उसमें भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलना शुरू हुए, तो इससे पता चलता है वहां पे भी ये रिएक्शंस हो रही थी। तो इससे एक और चीज क्या पता चलती है, लाइफ अर्थ के अलावा और जगह भी है। विद दिस लिमिटेड एविडेंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजेक्टर्ड स्टोरीज, कंजेक्टर्ड स्टोरीज क्या होती है कि ऐसी स्टोरीज जिसको ना मतलब आप मानते तो सही है बट लेकिन उसका ना आप पूरी तरीके से अभी प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो विद दिस लिमिटेड एविडेंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ कंजेक्टेड स्टोरीज वो क्या है, केमिकल इवोल्यूशन वॉज मोर और लेस एक्सेप्टेड। कंजेक्टेड स्टोरी क्या है, केमिकल इवोल्यूशन, कि केमिकल्स में इवोल्यूशन हुआ उसकी मदद से लाइफ फॉर्म जो है वो क्रिएट हुई, वो एक्सेप्ट होना शुरू हो गई। वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रिप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज, अभी हमें आइडिया नहीं है कि पहली जो लाइफ है ना वो कैसे क्रिएट हुई, मतलब फर्स्ट कैप्सूल ऑफ लाइफ वो कैसे बना जो कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, ठीक है। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर बैक, तो पहली जो नॉन सेलुलर फॉर्म बनी है लाइफ की वो कब बनी थी, 3 बिलियन ईयर्स बैक। दे वुड हैव बीन जायंट मॉलिक्यूल्स, उसमें क्या मिले, जायंट मॉलिक्यूल्स जैसे कि आरएनए, ठीक है, प्रोटीन, उसके अलावा पॉलीसेक्राइड भी मिले, ठीक है, ये सब मिलना शुरू हुए। दीज कैप्सूल रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल परहैप्स, अब ये जो क्या कहते हैं, ये जो कैप्सूल्स हैं, जो लिविंग कैप्सूल्स क्रिएट हुई जिसके अंदर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपको मिले, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने अपने आपको रिप्लीकेट कर रहे थे, मतलब ये अपना जो है नंबर जो है वो बढ़ा सकते थे। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 200 मिलियन ईयर अगो, तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म जो है वो अप्रोक्सीमेटली इस टाइम पे क्या हुआ, क्रिएट हुई। These were probably single cell. तो कैसे सेल थे, वो सिंगल सेल थे। All life forms were in water environment only. अब ये बोला जाता है कि जो पहली लाइफ है वो कहाँ पे क्रिएट हुई थी, वाटर इन्वायरमेंट में, मतलब पानी में क्रिएट हुई थी। This version of biogenesis, the first form of life, arose slowly through evolutionary forces from non-living molecule is accepted by majorities. तो वो जो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल के अंदर इवोल्यूशन हुआ ना, ये चीज हम जो हमने देखी थी, यही चीज उसने लिखी है कि नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स के अंदर इवोल्यूशन हुआ जिसकी मदद से नई लाइफ मतलब न्यू फर्स्ट लाइफ जो है वो इरोज भी वो बनी। हाउएवर वंस फॉर्म्ड, हाउ द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव इवॉल्व्ड इनटू कॉम्प्लेक्स बायोडायवर्सिटी ऑफ टुडे इज फैसिनेटिंग स्टोरी दैट वी डिस्कस बिलो। अब पहली लाइफ तो बन गई, पहला सेल तो बन गया, अब उससे इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी जो आज की दुनिया में है वो कैसे क्रिएट हुई, तो इसको हम समझेंगे नीचे के पैराग्राफ से, और ये एक बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है। फैसिनेटिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और प्लीज लाइक, ठीक है, अगर पसंद आता है वीडियो तो प्लीज लाइक करना। और एक और इंपॉर्टेंट बात, वीडियोज को ना डाउनलोड करके मत देखना, ठीक है, कई लोग करते भी हैं, वीडियो को डाउनलोड करेंगे फिर उसको देखते रहते हैं, बट लेकिन उससे क्या होता है, व्यूज भी नहीं आएगा, और इस बारे में मैंने पहले ही बात करी है। तो प्लीज वीडियो को डाउनलोड मत करना, ऑनलाइन देखना, और अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एनसीईआरटी का ज्ञान। बाय बाय।